हाँ एक मिनट। हाँ नमस्ते किसान भाइयों, हम लोग आज नागपुर जिले के रामटेक तालुका में छत्रापुर गांव में है और यहाँ पर सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में हम लोग मुजफ्फर हुसैन साहब के फार्म पर आए हुए हैं और साथ में यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री भोसले साहब, इन्होंने भी यहाँ का भ्रमण किया है। तो हम लोग कुछ संवाद भोसले साहब से करेंगे। तो नमस्ते भोसले सर। नमस्ते नमस्ते। और आपने ये पूरा फार्म देखा जी? जबकि यहाँ पर संतरा लगा है, मौसम्बी लगा है, सीताफल लगा है, आम लगा है जी। और साथ में मोहगनी भी लगी आपने देखी है जी। तो और उसके बीच में ये इंटरकल्चरल हॉर्टिकल्चरल मल्टी हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स है जी। तो आपका अभी थोड़े से मैं हम लोग ये पूछेंगे कि आपका अभिप्राय इसमें क्या है? मैंने लगभग ये 200 एकड़ का जो अस्मिता फार्म है, आज श्रीमान मुजफ्फर हुसैन साहब ने हमें पूरा बताया है और यहाँ पर उन्होंने प्राकृतिक खेती के मॉड्यूल्स जो है वो डेवलप किए हैं। हमारे कृषि विभाग की जो रिटायर्ड हेमंत जी चौहान, उनका भी मार्गदर्शन है और बेसिकली प्राकृतिक खेती का जो मॉड्यूल है वो उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है। उसमें कहीं किसी भी प्रकार से बाहर से जो रसायन युक्त या केमिकल का यूज़ जो है वो उन्होंने यहाँ पर नहीं किया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ यहाँ पर टोटली उन्होंने बैन किया है या वहाँ यहाँ पे उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। पूरी तरह से प्राकृतिक सिस्टम से या नेचुरल फार्मिंग जिसके हम कहते हैं, ये पहले जंगल था, इसी जंगल को उन्होंने नेचुरल फार्मिंग में डेवलप किया है। यहाँ पर आम, महोगनी, उसमें आगे चलकर उनका नींबू भी है, भी लगाने का उनका ये मानस है। बाद में मल्टी हॉर्टिकल्चर यानी के संतरा में सीताफल इस प्रकार का उन्होंने किया है। कुछ शुगर केन फार्मिंग भी यहाँ पर उन्होंने प्राकृतिक ढंग से किया है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह कहने वाली है कि जो हमारा निसर्ग है या जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और साथ ही साथ में रसायन मुक्त खेती यहाँ पर उन्होंने करके जो भी उसका उसमें से उत्पादन मिल रहा है उनको, वो पूर्णतः विष मुक्त है। उन्होंने इसके लिए खास गीर गाय यहाँ पे रखी है और गीर गाय का जो भी गोबर निकलता है, बाहर से भी गीर गाय का सिर्फ गोबर मंगा के जीवामृत, घन जीवामृत इस प्रकार का प्रयोग उन्होंने किया है। बाद में फर्टिगेशन थ्रू ये जो जीवामृत है वो उन्होंने पूरे 200 एकड़ के फार्म में उसे पूरा फर्टिगेशन के तरह से उन्होंने ऑटोमेशन किया है और उसके वजह से एक तो पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग, बाद में नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पर जो भी फसल है वो अच्छी तरह से उनका डेवलपमेंट है। अभी हम जो आम के बगीचे में खड़े हैं, लगभग एक साल का ये आम का बगीचा है। सर मैं बीच में टोकूंगा आपको कि ये जो साइल दिख रहे हैं हम लोग, देखिए ये जो साइल दिख रहे हैं जी जी, और इस साइड में हम लोग इस आम की ग्रोथ देख रहे हैं जी जी। तो आप इस पर मतलब ये सिर्फ एक साल पुराना पेड़ है? देखिए सबसे पहले तो ये है कि मतलब ये जो जमीन लोगों के मन में जो रहती है शंका कि केमिकल से ही ये आ सकता है और नेचुरल फार्मिंग में इसकी ग्रोथ नहीं आती, तो थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन ही इसमें क्या है जी? तो देखिए ये जो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, एक तो सॉइल जो है वो हल्के किस्म की सॉइल है जिसमें हम जिसको मराठी में मुरमार बोलेंगे वो टाइप की सॉइल है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने आम का इधर जो बगीचा लगाया है उसको घन जीवामृत या जीवामृत, बाद में जो उन्होंने सॉइल मल्चिंग किया है, जो नेचुरल जो भी पेड़ के जो हिस्से है उससे मल्चिंग जो किया है, उसकी वजह से उसको माइक्रो एनवायरनमेंट अच्छी तरह से डेवलप हुआ है और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है ये आम के बगीचे की, जो एक साल में इतनी अच्छी ग्रोथ जो है वो मिली है। तो ये कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट अगर ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को दिया जाए तो ऐसी इस तरह की जमीन पे भी वो आम हो या कोई अलग जो फार्म हो
हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो वो डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तरीके से जो भी उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट हो या जो भी उनको अन्न मूल्य द्रव्य हो वो उनको प्राप्त हो रहे हैं नेचुरल प्राकृतिक तरह से, इसलिए उनकी ग्रोथ अच्छी है। सर आपने बहुत बड़ा किसानों के लिए एक संदेश दिया है कि बिना केमिकल फार्मिंग से भी इस नेचुरल तरीके से ये खेती हो सकती है, तो आपने जो बहुमूल्य समय दिया हमको, तो अस्मिता नेचुरल फार्म से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।